एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम दिखाने वाला हूं, जो कि होने वाला है हरियाणा ऑर्बिटल रेल का। यानी कि हरियाणा में एक ऐसी लाइन डाली जा रही है जो कि ज़्यादातर मालगाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ज़्यादातर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि पैसेंजर गाड़ियाँ भी इसके ऊपर दौड़ने वाली है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार की मदद से इस जगह पर बनाया जा रहा है एक लाइन जो कि होकर गुजरेगा हरियाणा के पलवल से और जाएगा हरियाणा के सोनीपत तक। 143 किलोमीटर प्रोजेक्ट पे काम किया जाना है, मतलब पूरा अलाइनमेंट तो 143 किलोमीटर लंबा नहीं होने वाला है। इसमें लंबाई प्रोजेक्ट की होने वाली है 130 किलोमीटर का, जी हाँ। और इसमें जो 13 किलोमीटर का हिस्सा है वो होने वाला है ब्रांच लाइन, जो कि होने वाला है मारुति कंपनी के लिए। जी, मारुति कंपनी के लिए, इसलिए ताकि मारुति अपने व्हीकल की जो ढुलाई है वो ट्रेन के माध्यम से कर सके, क्योंकि आपको पता है माल ढुलाई का सबसे कम खर्चा जो आता है, लागत आता है, वो ट्रेन के जरिए ही आता है और समय भी कम लगता है। ये है हरियाणा ऑर्बिटल रेल का प्रोजेक्ट जो कि आज हम और आप मिलकर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो बेसिकली आपको यहाँ पर मेरे पीछे एक ब्रिज दिखेगा, उसी ब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। बेसिकली उस ब्रिज को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है, तो आज यही आपको दिखाने वाला हूँ। चलो चलते हैं भाई और देखते हैं। केएमपी के पैरेलल से ये लाइन इसलिए होकर गुजर रही है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा की सरकार चाहती है कि केएमपी एक्सप्रेसवे, जो ये आप देख रहे हैं, इसके आसपास इंडस्ट्री बसाई जा सके, बड़ी से बड़ी कंपनियों को लाया जा सके। यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्रेसवे तो है, लेकिन कंपनियों को चाहिए सबसे सस्ता और सबसे तेज माल ढुलाई का ऑप्शन, और वो है इंडियन रेलवे। और इसी वजह से हरियाणा की सरकार ने भारत सरकार की मदद ली और फिर इन दोनों की मदद से यहाँ पर रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। और इस जगह पर रेलवे लाइन का जो निर्माण किया जा रहा है, ये डबल डेकर मालगाड़ी तक के लिए होने वाला है। और स्पीड लिमिट इस पे 180 किलोमीटर प्रति घंटे का भी किया जा सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी इस पे मालगाड़ी को दौड़ते हुए देख सकते हैं। और इसी जगह पर वही काम आज किया जा रहा है, और सच बताऊं तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है हरियाणा के लिए भी और अपने देश के लिए भी। क्योंकि आप किसी भी कंपनी को जब देते हो ना प्लान कि आप आइए और मेरे देश में इन्वेस्ट कीजिए, तो सबसे पहला लॉजिस्टिक देखते हैं, वहाँ की फैसिलिटी देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, और आपको अपना सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से भारत सरकार भी यहाँ पर काम कर रही है इस देश में। इसी वजह से आपको दिखेगा कि एक्सप्रेसवे और रेलवे पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये दो माध्यम है जिनकी मदद से आप अपने देश को एक नई गति दे सकते हैं। और इसी का काम तो आजकल मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है और किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सबसे अहम जो प्रोजेक्ट है हरियाणा का या फिर कहें भारत सरकार का, इसका कंस्ट्रक्शन का काम। और इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मानेसर से दिखाने वाला हूँ। और मानेसर में इस जगह पर यहाँ पर जो पटौदी रोड है उसके ऊपर एक ब्रिज डाला जाना है। मेरे पीछे जो ये ब्रिज देख रहे हैं, इसी ब्रिज को ये जो NH है इसके ऊपर इंस्टॉल करने का काम किया जाएगा, और उसी की तैयारी इस जगह पर आज की जा रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक ब्रिज इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या स्टेप उठाए जाते हैं एक ब्रिज को इंस्टॉल करने से पहले, और हाँ ये भी बताऊंगा कि कितना वजन है इस ब्रिज का। जी तो चलो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो चलो भाई चलते हैं और देखते हैं। ये है पटौदी रोड, और इस पटौदी रोड की अहमियत भी बहुत बड़ी है भाई। अभी फिलहाल ये पटौदी रोड आपको 4 लेन का मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में अगर यहाँ पर आने वाले वक्त में 12 लेन भी ऐड करना पड़े तो किया जा सके। इसी वजह से यहाँ पर ये ब्रिज डाला गया है, जो कि लेंथ में अगर मैं ऐसे बताऊँ ना, लंबाई में तो 76.1 मीटर लंबा होने वाला है। और ये इसी वजह से दिया गया है कि कल को अगर NHAI यहाँ पर चाहे कि और भी लेन ऐड करना तो आसानी के साथ कर सके, क्योंकि देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके बाद करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये पूरा भारी भरकम ब्रिज बनाया है। अब इस ब्रिज को बनाने का जो काम है वो MG कंस्ट्रक्शन ने किया है, इस जगह पर उन्हीं की टीम आपको दिखेगी। इस वक्त पे वैसे तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग, इंजीनियर्स भी ऐड कर लो उसमें, ये इस जगह पर आपको दिख जाएगा। तो मतलब एक पूरा आप समझ लो कि यहाँ पर एक पूरी टीम आके खड़ी हो गई है इस ब्रिज को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि काम बहुत ही बड़ा है। और बड़ा इसलिए है क्योंकि ये ब्रिज, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 500 टन का तो है वजन में। इस पे जो बोल्ट देख रहे हो ना, ये जिसकी मदद से इसके स्ट्रक्चर को बनाया गया है, तैयार किया गया है, इसमें तकरीबन ये लगे हैं 36,000, हाँ 36,000 बोल्ट लगे हैं इस पे, इस ब्रिज को बनाने के लिए। और ऐसे भी ब्रिज नहीं बन जाता, ये ब्रिज का जो लोहा है ना उसको भी अप्रूव कराना पड़ता है भाई भारत सरकार से, और भारत सरकार के अप्रूवल के बाद फिर इस ब्रिज को तैयार किया जाता है। और वो अप्रूवल मिल चुका है भाई, अभी यहाँ पर बस इंस्टॉलेशन का काम करना है ब्रिज तो, क्योंकि यहाँ पर बना दिया। ऐसे 3 ब्रिज यहाँ पर डाले जाने हैं,
क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा ये तो होने वाला है लाइंग स्पेशल मारुति के लिए। हाँ मतलब अगर आप गाड़ी बुकिंग करोगे तो मारुति कुछ दिन में आपको जल्दी बुकिंग दे देगी, आपकी डिलीवरी कर देगी गाड़ी की। क्यों? क्योंकि लाइंग उसके पास आ गई है अपनी रेलवे की, रेलवे से माल ढुलाई का खर्चा वैसे भी कम होता है और टाइम भी बचता है। इसी वजह से भारत सरकार ने तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है, जिसमें अभी दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, EDFC और WDFC। WDFC जो उत्तर प्रदेश के दादी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाने वाला, और EDFC जो कि स्टार्ट होता है पंजाब के लुधियाना से और जाएगा वेस्ट बंगाल तक। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ब्रिज को पुल करके इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है, वो सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। वैसे अभी देखोगे तो आधा हिस्सा तो ऑलमोस्ट इसका आने को तैयार हो चुका है भाई, और बचे हुए जो हिस्से ये पूरा देख रहे हो ना, इस पूरे को अभी पैलर में यहाँ पर पुल करने का काम किया जाएगा, उसके बाद इसको इंस्टॉल करने का काम किया जाएगा। एक जो कि इसके ऊपर डाला जा रहा है वो देखो, इसमें तीन आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, 1, 2 और 3, इन तीनों के ऊपर ब्रिज ही आने वाला है। एक अभी इंस्टॉल कर लिया जा चुका है जो कि मारुति के लिए, ये वाला जो देख रहे हो ये डाउन लाइन होने वाला है और ये अपकी लाइन होने वाली है। इसके आगे देखोगे तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम करती हुई आपको टीम भी नजर आ जाएगी, क्योंकि इसी तरफ से स्टार्ट हो रहा है पलवल से और जाएगा इस तरफ सोनीपत तक, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखोगे तो ये रहा KMP एक्सप्रेस वे। इसी KMP एक्सप्रेस वे के पैलर में होते हुए ये आगे की तरफ जाने वाला है। अभी वैसे एक काम की बात करूँ ना तो चलो आपको वो मशीन भी दिखाता हूँ जिस मशीन की मदद से ना इसको पुल कर रहे हैं। इतना भारी भरकम है तो मशीन तो चाहिए ना भाई, चलो दिखाता हूँ अभी। दो दिन पहले जब मैं इस जगह पर आया था तो उस वक्त पे इस ब्रिज को इंस्टॉल करने से पहले जो टेस्टिंग की जाती है वो किया जा रहा था, और ये जो फुटेज आप देख रहे हो वो वही है जब मैं दो दिन पहले यहाँ पर आया था, तो टेस्टिंग की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि जो तय मानक होते हैं ना, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो किया जा सके, और सारी चीज़ों को चेक कर लिया जाता है ताकि लॉन्चिंग के वक्त जब इसको इंस्टॉल करने का काम करें तब उस वक्त पर कोई दिक्कत ना हो। तो दो दिन पहले इसकी टेस्टिंग हुई थी, उस वक्त भाई आया था, लेकिन क्या मैं उस वक्त वीडियो क्या ही बनाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि फाइनल वाले दिन। तो ये जो ड्रोन शॉट जितना भी देख रहा हूँ ये टेस्टिंग वाले दिन का है, लेकिन आज तो काम किया जा रहा है इसको इंस्टॉल करने का। यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ पर दो हेवी यहाँ पर मोटर्स लगा रखे हैं, और उन्हीं मोटर्स में केबल्स भी अटैच हैं, और उन्हीं केबलों की मदद से इसको पुल करने का काम किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पर थोड़ी पूजा की गई, फिर बजरंगबली का आह्वान भी किया गया, क्योंकि भाई उनकी आवश्यकता तो पड़ेगी इतने भारी भरकम ब्रिज को यहाँ पर खींचने में। तो इसी वजह से पूजा पाठ करने के बाद फिर कार स्टार्ट किया गया है इसको पुल करने का। और ये देखोगे तो दो दो मोटर आपको दिखेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दोनों में केबल लगे हुए हैं, और इसी केबल की मदद से ये जो ब्रिज आप देख रहे हो इसको पुल करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ तक जो देख रहे हो ना, यहाँ तक इस ब्रिज को पुल करके लाया जाएगा, और टीम यहाँ पर आपको बहुत सारी दिखेगी, चाहे वो सेफ्टी की हो, चाहे यहाँ पर सिविल की टीम हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करने वाली टीम हो, हर कोई यहाँ पर आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, पहली बार हरियाणा ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट पे एक इतना बड़ा ब्रिज इंस्टॉल किया जा रहा है, तो बड़ा तो है ही ना। वैसे इस जगह पर तो दो और अभी डाले जाने, और ये वाला जो देख रहे हो ये स्पेशली मारुति के लिए, ये है डाउन के लिए, ये अप के लिए, और इस तरफ है मारुति की फैक्ट्री। इस तरफ भी देखो अर्थवर्क का काम एकदम तेजी से कर रहे हैं भाई। और हाँ, ये जो मोटर चल रहा ना, ये वाला, इसको कंट्रोल किया जाता है, इसका कंट्रोल पैनल है, ऐसा नहीं है मैनुअली सब कुछ होता है, नहीं भाई, मैनुअल का इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक यहाँ पर इनके पास कंट्रोलर भी है, वो कंट्रोलर की मदद से ही इसको पूरा कंट्रोल करते हैं, जिसकी मदद से कितना स्पीड होना चाहिए, स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट करना है तो स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये देखो जैसे स्टॉप कर दिया तो चलो अब स्टॉप हो गया, ये सब कुछ कंट्रोलर की मदद से होता है। कंट्रोलर दिखाऊं, ये है कंट्रोलर, इसी कंट्रोलर की मदद से यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि कब स्टार्ट और स्टॉप करना है वो इस कंट्रोल की मदद से किया जा सके। सब कुछ ऑटोमेटिक है भाई यहाँ पर। वैसे मैं बता दूँ, ये जो लाइन बना रही है हरियाणा की सरकार ना, इसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, उससे भी कनेक्ट करेंगे। और वैसे भी ये जब पलवल से स्टार्ट हो रहा है ये लाइन, तो ये पलवल, सोना, मानेसर, इन सभी जगहों को कनेक्ट करेगा, सोनीपत को भी कनेक्ट करेगा। तो आने वाले वक्त में इस KMP के पैलर में आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिलेंगे। तो ये आज को ध्यान में रखकर काम नहीं किया जा रहा है, ये भविष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है, उतना भी बड़ा प्रोजेक्ट ये है, जिसे कि कहते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल।
3 महीने लगे हैं इस ब्रिज को बनाने के लिए, और आज फाइनली इनकी मेहनत रंग लाई है। जब फाइनली इस ब्रिज को इंस्टॉल कर दिया जा चुका है इस पटौदी रोड के ऊपर, तो इनके लिए बहुत बड़ा गर्व का पल है। जी हाँ, हर एक इंजीनियर्स के लिए, हर एक टीम मेंबर्स के लिए जिन्होंने इस ब्रिज को बनाने के लिए दिन रात मेहनत किया था पिछले 3 महीने से, ताकि इसे इंस्टॉल किया जा सके, ताकि इस लाइन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जा सके, ताकि मारुति व्हीकल की डिलीवरी जल्दी से जल्दी देश के हर कोने में कर सके। तो यानी कि जो वेटिंग टाइम है ना मारुति से, अगर आप गाड़ी लेते हो तो वो बोलते हैं ना कि 2 महीने में गाड़ी डिलीवर करेंगे, 3 महीने में करेंगे, अब वो कम हो जाएगा आने वाले कुछ सालों बाद। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रेन से आपके व्हीकल को डिलीवर करेंगे आपके राज्य में, आपके सिटी में, तब तो टाइम कम लगेगा ही, और हाँ, मारुति का लागत भी कम लगेगा, माल ढुलाई का, क्योंकि ट्रकों से तो बहुत महंगा पड़ता है भाई। लेकिन जब वो ट्रेन से भेजेंगे तो एक बार में इतने सारे व्हीकल्स भेज सकते हैं, और सबसे सस्ता तो आपको पता है माल भेजने का जरिया क्या है अपने देश में, रेलवे। इसी वजह से रेलवे को इतना इम्प्रूव किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे की जो गति है ना इस वक्त बहुत स्लो है, तो इसी वजह से भारत सरकार इस वक्त पर रेलवे पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रही है, एक्सप्रेसवे पर तो दे ही रही है, लेकिन साथ ही साथ रेलवे पे भी आपको इसी वजह से देखने को मिलता है कि इतना सारा काम किया जा रहा है। और रेलवे लाइन में भी फ्रेट का सबसे अहम रोल होने वाला है, क्योंकि जो फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन होने वाली है ना भाई, पैसा तो सबसे ज़्यादा वहीं से आने वाला है, माल ढुलाई से। पैसेंजर से उतना ज़्यादा नहीं आता है रेलवे को जितना माल से आता है, इसी वजह से फोकस है कि माल वाले रूट को ना पूरा सेपरेट ही कर दो पैसेंजर से। इसी वजह से आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन आजकल देखने को मिलती है, आने वाले वक्त में और भी देखने को मिलेंगी, अभी तो आरंभ है। आने वाले वक्त में अब सुनने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश भी अपनी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, क्योंकि हरियाणा की सरकार बना रही है तो उत्तर प्रदेश भी बनाएगी, उत्तर प्रदेश को देखकर फिर आंध्रा भी बनाएगी, तेलंगाना भी बनाएगी, फिर गुजरात भी बनाएगी, फिर उसके बाद बाकी राज्य भी बनाएंगे, क्योंकि इसके फायदे बहुत बड़े हैं भाई। हाँ, रेलवे के देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ मारुति को ही क्यों कनेक्टिविटी दी जा रही है, क्या बाद बाकी कंपनियों को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सबको कनेक्टिविटी मिलेगी। जो इस वक्त इस केएमपी के पैलर में है उनको भी कनेक्टिविटी मिलेगी, और जो आने वाले वक्त में इस जगह पर आएंगे उनको भी इस रेलवे लाइन के माध्यम से कनेक्टिविटी मिलेगी। जी, और ये सुनिश्चित कर रही है हरियाणा की सरकार। तो फाइनली इस रोड को क्रॉस कराने का काम कर लिया जा चुका है इस ब्रिज की मदद से। अगर आप देखेंगे तो इस रोड को फाइनली इस ब्रिज ने क्रॉस कर लिया है, मतलब काम आप समझिए लगभग पूरा हुआ। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं, इस हरियाणा ऑर्बिटल रेल के अंतर्गत जितने भी स्टेशन बनाए जाएंगे, जिन जिन जगहों पर बनाए जाएंगे, वो एडवांस होने वाले हैं, वो आपको थोड़े नए दिखेंगे, अलग दिखेंगे। आप पूछोगे भाई कैसे, तो वो ऐसे आपको अलग दिखेंगे कि इनके जितने भी स्टेशन बनेंगे ना, उस स्टेशन से अगर किसी को अपने ट्रक को ट्रेन के ऊपर लोड करना है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी, ट्रक आसानी से ट्रेन के ट्रॉले पे लोड हो जाएगा। उसी हिसाब से सारे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि ट्रकों का जो लोड है ना, वो एक्सप्रेसवे से और भी कम हो जाए। अब आपको पता चला कितना दूर की सोच रही है भारत सरकार। तो देखोगे तो ज़्यादा वक्त है नहीं, ये जो ब्रिज का सिरा है ना, बस ये जो पिलर का हिस्सा देख रहे हो ना, बस उसी जगह तक आना है। तो अब कुछ ही क्षण है जब यहाँ पर आज इतने दिनों से जो मेहनत की है टीम ने, वो सफल होने वाला है। हाँ, पिछले 3 महीनों से काम कर रहे हैं ये लोग। और सच बताऊं तो अपने देश के इंजीनियर्स ने ना बहुत तरक्की कर ली है। ट्रैफिक मूवमेंट के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब किसी को डिस्टर्ब किए बिना इतना भारी भरकम ब्रिज इन्होंने इंस्टॉल कर दिया, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ट्रैफिक मूवमेंट के बीच में इतना बड़ा ब्रिज इंस्टॉल कर देंगे, और इन्होंने कर दिया भाई। तो सबको बधाई, हर एक इंजीनियर्स को भी, हर एक टीम मेंबर को जिन्होंने इस ब्रिज को बनाने में अपना योगदान दिया, और जिन्होंने इस ब्रिज को इंस्टॉल करने में भी अपना योगदान दिया। वैसे मैं आपको बताऊं, इस ब्रिज को डालने से पहले यहां पर NHAI से भी परमिशन लेना पड़ा है रेलवे को। क्यों? क्योंकि NH के ऊपर भी तो डल रहा ही है, और साथ ही साथ पुलिस की परमिशन भी लेनी पड़ती है। इस जगह पर देखोगे जितने भी पैरामीटर से कंस्ट्रक्शन को, उन सभी को फॉलो किया जा रहा है। तो ये व्हीकल दिख जाएगा जिस व्हीकल की मदद से यहाँ पर पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं इस NH के ऊपर, क्योंकि धूल मिट्टी ना उड़े। तो चलो भाई, फाइनली इस भारी भरकम ब्रिज के इंस्टॉलेशन का काम होता है कंप्लीट। बहुत बड़ा दिन था आज का, क्योंकि बिना ट्रैफिक को डाइवर्ट किए इस जगह पर ब्रिज का इंस्टॉलेशन का काम करना, ये अपने आप में तो बहुत बड़ी बात है ही। और यहाँ पर ऐसे 2 और ब्रिज इंस्टॉल किए जाने हैं, एक जो कि इंस्टॉल हो चुका है, 2 अभी इंस्टॉल किए जाने हैं। उन दोनों का भी आपको अपडेट दिखाऊंगा इसी तरीके से जब इंस्टॉलेशन का काम किया जाएगा।
और साथ ही साथ इस पूरे अलाइनमेंट का भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस हरियाणा ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और कैसे कैसे काम किया जा रहा है, क्या क्या टेक्निक यूज़ की जा रही है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा काम किया है इस जगह पर, वो सबको देखना और जानना तो बनता ही है। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और सच बताऊँ तो आज का दिन बहुत ही बड़ा रहा है, इतना बड़ा काम मैंने आज अपने आँखों से लाइव देखा है भाई। सच में कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है भाई। चलिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ किसी और परियोजना पर।